दोस्तों, जहां इस तरफ चारों तरफ टेंशन का माहौल है, लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा अपने टाइम कैसे स्पेंड करें। कई लोग सोशल मीडिया पे अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, कई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज को इधर से उधर फॉरवर्ड कर रहे हैं। दोस्तों, इंटरटेनमेंट का या टाइम स्पेंड करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है इंटरटेनमेंट। मैं आपको ऐसी 5 मूवीज बता रहा हूँ जिसको आप देख कर आपका टाइम अच्छे से कट जाएगा, प्लस आपके परिवार में पॉजिटिव एनर्जी भी जनरेट होगी, जिससे ये समय आपका कटेगा। स्वागत दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉल्विंग गुरुजी में। मैं आपका दोस्त कमलेश, लेट्स डू इट। तो एक बात और, इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा वीडियो के कॉन्सेप्ट क्या है, वीडियो किस पर्पज से बनाया गया है। और अब ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से भी मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, पहले मूवी मिल्खा सिंह, द लेजेंडरी मिल्खा सिंह को बनी ये मूवी, लाजवाब है, गजब की मूवी है, पूरे परिवार साथ बैठ के इसको जरूर देखिए। दोस्तों, मिल्खा सिंह भारत पाकिस्तान बंटवारे पर अपना परिवार पूरा खो बैठे, रिफ्यूजी कैंप में अपनी बहन से मिले, उसके बाद ये बड़े हुए तो आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी ज्वाइन करने के बाद इनके कोच ने इनकी क्षमता को पहचाना, एक अच्छे एथलीट बन सकते हैं, वहीं से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ये मूवी हमें सिखाती है कैसे हम एक स्टेप, एक गोल अचीव करने के बाद हम दूसरे गोल की तरफ फोकस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मिल्खा सिंह की मूवी हमें ये भी सिखाती है कि कैसे हमारी एक छोटी सी गलती हमारे सपने में पानी फेर सकती है। मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो दोस्तों, ये मूवी आज की डेट में बहुत ज़रूरी है हमें अंदर से मोटिवेट करने के लिए। तो दूसरी मूवी है आनंद, 1971 में ये मूवी रिलीज हुई। इसकी लीड रोल में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जी थे। राजेश खन्ना, जिनको पता चलता है कि उनको एक इंटेस्टाइन कैंसर है, और जब पूछते हैं कि हमारे पास समय कितना है, तो अमिताभ बच्चन जो है जो डॉक्टर है इस मूवी में बताते हैं कि आपके पास 6 महीने हैं। तो इसके बाद आनंद जी कैसे अपने लाइफ को इंजॉय करते हैं, ये मूवी हमें सिखाती है। इसमें फेमस डायलॉग है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। दोस्तों, ये मूवी में सिखाती है कि हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कैसे अपने आप पे संयम रख सकते हैं, और संयम रख के अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि टेंशन तो हर तरफ है, बिना टेंशन के लाइफ नहीं है, लेकिन हम लाइफ को असली जीना कैसे है ये मूवी में सिखाती है। और आज की डेट में जब चारों तरफ कोरोना वायरस की वजह से टेंशन का माहौल है, तो ये इस मूवी हमें बहुत ताकत देगी। दोस्तों, तीसरी मूवी है बाघबान, जहाँ आज न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ रहा है। इस टेंशन वाले माहौल में कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों में परिवारों के पास लौट गए हैं और परिवार का टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही टाइम है इस मूवी को देखने के लिए। बागबान मूवी हमें दिखाती है कि कैसे एक माता पिता अपनी सारी इच्छाओं को मार के अपने बच्चों का परवरिश करते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माता पिता जब रिटायर हो जाते हैं, तो वही बच्चे उन माता पिता का खर्चा नहीं उठा पाते, उनकी देखभाल नहीं कर पाते, माता पिता में बंटवारा कर देते हैं कि पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगे। फिर 6 महीने के बाद पापा रोहित के साथ और मम्मी करण के साथ रहेंगी। और वापस जब माता पिता के पास पैसे आते हैं, तो वही बच्चे ढूंढने लगते हैं, उनके पास आ जाते हैं। दोस्तों, आज के युवा पैसे के पीछे भागते हैं केवल, और उसकी वजह से जीवन के मूल्यों को भूलते चले जा रहे हैं। पैसे के पीछे भागना जरूरी है, क्योंकि पैसे के बिना लाइफ नहीं चल सकती, लेकिन साथ में परिवार के साथ भी रहना जरूरी है, क्योंकि परिवार ही हमारा असली मूल्य है, असली धन है, असली दौलत है। दोस्तों, ये मूवी हमें सिखाती है कि कैसे आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, जहां हम पैसे पीछे भाग रहे थे, आज कोरोना वायरस की वजह से हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और हमें अपने परिवार के वैल्यू समझ में आ रही है। तो ये मूवी आप जरूर परिवार के साथ बैठ के देखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आज के टाइम में, क्योंकि ये समय है आत्मचिंतन का। दोस्तों, चौथी मूवी मांझी द माउंटेन मैन। मांझी द माउंटेन मैन दशरथ मांझी के ऊपर बनी रियल मूवी है। दशरथ मांझी जो बिहार के गहलोर गांव में रहते थे और एक निम्न जाति से बिलोंग करते थे, इनके गांव के प्रधान ने निम्न जाति होने की वजह से उनके लठैतों ने इनके मार मार कर अधमरा कर दिया। जब इनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, तो उसे पास के सरकारी हॉस्पिटल में नहीं ले जा पाए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल पहुँचने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता या दूसरा रास्ता जो बहुत दूर होकर जाता, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। दशरथ मांझी ने उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है कि इस पहाड़ को चीर कर कैसे भी मैं रास्ता बनाऊंगा उस हॉस्पिटल तक जाने के लिए, ताकि किसी और की मृत्यु ना हो सके, और अपने घर से एक हथौड़ा और रस्सी लेकर निकल जाते हैं। इनके पिता इनको पागल कहते हैं। मांझी द माउंटेन में हमें सिखाती है कि अगर आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया और उस पर आप कठिन परिश्रम करने लगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती, और अंततः
वो पहाड़ को चीर के रास्ता बना देते हैं और बन जाते हैं द माउंटेन मैन। इसका फेमस डायलॉग है जो जो पूरी पिक्चर को या पूरी जिंदगी को सार्थक बनाता है। क्या भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा। दोस्तों पांचवी पिक्चर है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया एक कबीर खान नामक हॉकी खिलाड़ी के ऊपर से बनी हुई है। कबीर खान जो भारतीय हॉकी टीम का सेंटर फॉरवर्ड होता है और उसकी गलती से भारत पाकिस्तान से मैच हार जाता है, जिसकी वजह से कबीर खान के ऊपर एक गद्दार का टैग लग जाता है और उसे भारतीय टीम से निकाल लिया जाता है। 7 साल बाद कबीर खान वापस लौटते हैं इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम पे एज अ कोच, और उन्हें ऐसी टीम दी जाती है जो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कबीर खान के अंदर जुनून होता है, जोश होता है कि कैसे भी करके टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना और अपने ऊपर जो गद्दार का टैग लगा हुआ है इसको हटाना। तो दोस्तों ये मूवी सिखाती है कि कैसे एक ट्रू लीडर अपनी फिसड्डी टीम को भी या बिल्कुल ख़राब टीम को भी कैसे मोटिवेट कर सकता है और टारगेट को अचीव कर सकता है, गोल को अचीव कर सकता है। कि अगर ये 70 मिनट इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से और हर उस इंसान से जिसने तुम्हें तुम पर भरोसा नहीं किया अपने 70 मिनट जी। कबीर खान के रास्ते में इतना आसान रास्ता नहीं, हर जगह कांटे कांटे थे, लेकिन उस एक एक कांटे को कैसे वो निकालते गए और लास्ट में इंडियन हॉकी टीम वर्ल्ड कप जीतती है। और वापस वो अपने घर लौटते हैं और कबीर खान के जो गद्दार का टैग लगा हुआ टैग हटता है। दोस्तों इस मूवी से हमें सीख लेनी चाहिए कि ट्रू लीडरशिप होती क्या है। दोस्तों ये 5 मूवीज, पहला भाग मिल्खा भाग, दूसरा आनंद, तीसरा बागबान, चौथा मांझी द माउंटेन मैन और 5वां चक दे इंडिया। इन मूवीज़ को आप परिवार के साथ बैठ के जरूर देखिए। हो सकता है कि आप इन मूवीज़ में पहले भी आप देख चुके हों, लेकिन फिर भी ये मूवीज़ देखिए इस टाइम पे, क्योंकि ये सही टाइम है इस मूवी को देखने का। क्योंकि चारों तरफ टेंशन है, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, इसको देख के आपके परिवार में, आपके अपने इंटरनल में एक मोटिवेशन आएगा, जिससे एक खुशनुमा माहौल बनेगा घर में। मूवी को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास जरूर शेयर करिए, क्योंकि वहाँ पर भी टेंशन है। इन मूवीज़ को देख के वो भी अपना टाइम को अच्छे से स्पेंड कर पाएंगे और कुछ एनर्जी लेवल उनका इंक्रीज होगा। दोस्तों इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप ये हमें लिख के बताइए कि इसके अलावा भी कौन से मूवीज़ आपको बहुत अच्छी लगती हैं, जिसको मस्त देखना चाहिए, वो भी देख के हम टाइम को अच्छे से स्पेंड करेंगे, कुछ लर्निंग हमको मिलेगी।